गोजरी जबान में अपडेट सुनिए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज इंसानी हकूक की दजी बिखेर रही है। कश्मीरी भारतीय काबज फौज का निशाना के ऊपर है और उन्होंने कत्ल की जा रही है और इस कत्ल की भारतीय फौज ने खुलम खुली छोड़ दी गई है। 5 अगस्त 2019 के बाद मकबूजा इलाका में तमाम इंसानी हकूक पामाल किया जा रहा है। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का इससे पहला का तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। बैन अलावी तौर पर दारे त्री बुनियादी इंसानी हकूक बिचू मकबूजा इलाका का लोगों ने एक पे मुयसर नहीं है। भारतीय फौजियों ने कश्मीर का बस्कीना वर की जमीन तंग कर दी है और उनकी जिंदगी अजाब बना दी गई है। उत काबज फौज के हाथों कत्ल, गिरफ्तारी, तशद्दुद और जिनसी परेशानी हर दिहाड़ा को पतीरो बन गयो है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की असल वजह यह है कि उत का लोग अपना हक को मुतालबो कर रहा है और उस मुतनाज़ा मसला भारत ने हल करने के बजाय उत का लोग न तमाम तर इंसानी हकूक ऐसी महरूम रखे हुए और उन्होंने गुलामी की जंजीरों के बीच जकड़े जा रही है। अक्वामी मुत्तहिदा की काफी सारी दस्तावेजी रिपोर्ट भी इस गल की वाजिया सबूत है कि मकबूजा कश्मीर में भारत इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस है और बीजेपी हुकूमत इन बैन अलावी रिपोर्टों ने भी लुकाउन की कोशिश कर रही है। वो तहकीकत के वास्ते बैन अलावी मुतालबात न छुपाया जा रही है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी इस दौर की महजब दुनिया के वास्ते एक बहुत बड़ो चैलेंज है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ पर आलमी बरादरी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी महंगी और भारत पर दबाव सटन की जरूरत है।